हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका आपका अपने चैनल क्रिप्टो मछली में। दोस्तों बात करें एलपी टोकन की। दोस्तों एलपी टोकन का जो रेट चल रहा है, अगर आप देखते हो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो जो रेट चल रहा है यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में 110 रुपये के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों चेंज की, 24 आवर के अंदर एलपी टी में क्या चेंज आया, तो यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं है। जो रेट चल रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है, खाली 2 से 3% का यहाँ पर चेंज है। अगर आप यहाँ पर 24 आवर का लोएस्ट देखते हो तो 107 रुपये के आसपास का है, और जो टोकन ने अपना हाइस्ट दिया आज के दिन में वो 114 रुपये के आसपास का है। अभी हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको आज के टाइम में एलपीएनटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो एक बार हम प्राइस चार्ट के ऊपर नज़र मारें, तो यहाँ पे अगर आप वन डे का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई खास मूवमेंट नहीं दिखेगा। जो रेट चल रहा है यहाँ पर फ्लैट ही चल रहा है, ज़्यादा अप डाउन नहीं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर लास्ट सेवन डेज़ का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं, तब जो आपको जो सपोर्ट दिख रहा होगा 100 के आसपास का दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे 3 मंथ का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं, तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो आप जो 100 का जो लेवल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला है कि जो 100 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे नीचे जाना एलपेंटिक का थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, तभी चांसेस बनते हैं। अगर यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके मास्टर वोल्ट में काफ़ी बड़े कॉइन पड़े हुए हैं, जो लोग फिर से यहाँ पे अगर सेलिंग करते हैं तभी जो चांसेस हैं नीचे जाने के हैं। अदरवाइज़ जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके बस की बात नहीं है कि जो इस प्राइस को नीचे लेके जाएं। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, जो टोकन का जो रेट था आज से 1 साल पहले 7,000 तक गया है, देखो आप। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एलपेंटी है पूरी तरह से ओवरसोल्ड हो गया है। ये देखो आप। तो अगर आप यहाँ पे $20 भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में यहाँ पे जो आपके $20 आपको फिर से $200 बन सकते हैं आपके। अगर आप यहाँ पे 3 मंथ का जो प्राइस चार्ट है इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप, देखो जो 300 रुपये तक के जो लेवल हैं आपको आने वाले टाइम में दिख सकते हैं यहाँ पे, जो शॉर्ट टर्म रहेगा उसमें। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जो आने वाले टाइम में इंडिया में हो गया या फिर फॉरेन कंट्री में हो गया, इंडिया में आपको पता ही है कि सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली होता है, तो दिवाली के जो मंथ रहते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग होती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया या फिर क्रिप्टो मार्केट हो गया। और जो फॉरेन कंट्री है उनके लिए जो क्रिसमस का जो त्यौहार है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, उन टाइम में भी जो मार्केट में काफ़ी लोग बाय करते हैं, एक बुलिश ट्रेंड आता है मार्केट में। अगर आप एक बार जो हमारे ग्लोबली कॉइन है, जो हमारा मेन कॉइन है जो बिटकॉइन, अगर आप उसको चेक करते हो एक बार, तो इसको भी आप देखते हो कि इसका जो 20,000 का जो लेवल है, 19 से लेकर 20,000 का जो लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आपने चेक भी किया होगा कि जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया था, फिर भी जो बिटकॉइन है वो 19 से लेकर 20,000 के लेवल तक ही रह रहा है। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं आपकी जो बिटकॉइन है ये भी पूरी तरह से ओवरसोल्ड हो गया है। जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तो उसके बाद वही चांसेस रहता है दोस्तों कि फिर से एक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड आता है। तो अगर आप यहाँ पे एलपीएनटी में एक हल्का सा एक आप रिस्क लेते हैं तो आपके जो पैसे यहाँ पे 10 गुना तक हो सकते हैं। बट आपको यहाँ पे जो रिस्क लेना दोस्तों, एक कैलकुलेट रिस्क लेना है, ऐसे नहीं कि पूरा आप यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। खाली आपको यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो $10 से $20 का आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।